पुरोहित जी, आपको नाग शक्ति यज्ञ की विधि तो ज्ञात है ना? वो इसलिए प्रभु कि स्वर्ग से निष्कासित होते ही हमारी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। दिव्यचित्त, ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। मुझे पराजित करना होगा तुम्हें। जो धर्म के मार्ग पर होगा विजय उसी की होगी। मारुती, इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन जीतता है, तुम्हारा धर्म या फिर मेरी विप्रचित की शक्तियां। आक्रमण! महाराज, आप जब भी साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन की सारे कष्ट दूर हो गए। ऐसा बोध होता है जैसे आप कोई कामना ही नहीं रही, कुछ भी शेष नहीं। आप थक गए होंगे, विश्राम। ये क्या, ये कैसा स्वप्न था? पुनः वही एक ही स्वप्न का बार बार आना मात्र संयोग नहीं होता, उस स्वप्न में सच्चाई होती है। तो इसका अर्थ कि सुकन्या का प्रभाव मेरे स्वामी के जीवन में बढ़ता जा रहा है। विलंब से विनाश की संभावना है। मुझे दारुण वन की यात्रा अभी प्रारंभ करनी होगी। हाँ, अभी। अब तुम्हारा अंत निकट है। महाराज केसरी, अब बस कुछ ही दिनों की बात है जहां एक बार तुम्हारे साथ पत्नी का संस्कार पूर्ण हुआ, मैं सदा के लिए तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। न कोई रोक होगा, न कोई टोक। Thank you.
बालक ने मेरा सब कुछ छीन लिया गुरुदेव। स्वर्गलोक मेरी समस्त शक्तियां सब छीन लिया। मुझे मार्ग दिखाओ गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाओ। विप्रचित, तुमने समझने में बहुत विलंब कर दिया। अब मैं तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूं। अपने कर्मों का दंड तुम्हें अकेले ही भोगना होगा। अब तुम्हें यहीं रहकर सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर तुम अपनी खोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकते हो। तुम कुंद पड़ रहे हो और मैं ना कभी कुंद पड़ा हूं और ना कुंद पड़ूंगा। मैं असुरों के अधिकार और सम्मान के लिए देवताओं से अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य ना कभी हारा है और ना ही कभी हारेगा। ओम शिवाय। हे नागेश्वर शिवी, उस स्त्री के प्रभाव को मेरे पति के जीवन से समाप्त कर दीजिए। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्म कारिके अमुकस्य दधिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुदस्य हृदि। शिव शंकर
महाराज, इस नाग शक्ति यज्ञ के पूर्ण होते ही आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सर्पों की कृपा हो जाएगी। संपूर्ण संसार जिन सर्पों को अपना शत्रु मानता है, वे आपके मित्र, हितैषी एवं शुभचिंतक हो जाएंगे। निसंदेह महाराज, ये नाग शक्ति यज्ञ आपके लिए एक दुर्लभ यज्ञ साबित होने वाला है, एक अति दुर्लभ योग। हे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, हे नागेश्वर शिवलिंग, जो स्त्री दारुण वन में आकर आपकी पूजा अर्चना करती है, आप उसके अभिष्ट अवश्य पूर्ण करते हो तथा उसके जीवन से नाग दोष भी दूर कर देते हो। हे प्रभु, मेरे पति के जीवन में एक नागिन दोष बनकर प्रवेश कर गई है। हे प्रभु, उस स्त्री के प्रभाव को मेरे पति के जीवन से समाप्त कर दीजिए। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए। कुंजर जी, ना जाने क्यों मुझे ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा बोध हो रहा है कि ये यज्ञ सर्पों का आमंत्रण है। हाँ जामवंत जी, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्या हुआ कुंजर जी, किस चिंता में मग्न हैं? इससे पूर्व किस नाग शक्ति यज्ञ का शुभ प्रारंभ हो, आप महाराज केसरी और महारानी अंजना को पति पत्नी के पवित्र गठबंधन में बांध दीजिए, ताकि इस नाग शक्ति यज्ञ का शुभ लाभ दोनों को समान रूप से प्राप्त हो सके। केसरी, इस गठबंधन के साथ ही तुम्हारी वास्तविक अंजना तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर चली जाएगी। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। अपने अपने मन में पति पत्नी का भाव रखकर इस नाग शक्ति यज्ञ को प्रारंभ करें।
ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया महारानी जी, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने वास्तविक रूप में क्यों आ रही हूँ? मेरा भेद खुल जाए इससे पूर्व मुझे यहाँ से जाना होगा मुझे यहाँ से अविलंब जाना होगा। पुरोहित जी, ये कैसा नर्तक किया राजपुरोहित जी आपने? मैं भी आश्चर्यचकित हूँ महाराज। ये मेरे जीवन का प्रथम अवसर है जब मैं ऐसी अनहोनी देख रहा हूँ। निश्चित ही किसी बहुत बड़े अमंगल से प्रभु ने हमारी रक्षा की है। अंजना की पूजा पूर्ण हो चुकी है, किंतु वो अपनी भक्ति में इतनी लीन है कि उसे इस बात का भान भी नहीं है कि उसकी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तंद्रा तोड़नी होगी। अलख निरंजन, अपने नेत्र खोलो पुत्री। तुम्हारी पूजा पूर्ण हो चुकी है, कल्याण हो। अब तुम वापस लौट जाओ पुत्री, प्रभु ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। तो ऋषि, मैं ये कैसे मान लूं कि प्रभु ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है, कि मेरे सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है और मेरे पति के जीवन से सर्व दोष भी समाप्त हो गया है? पुत्री, नागेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही तुम्हारी समस्या का अंत हो चुका है। मेरे इस कथन पर विश्वास करो तथा अपने गृह लौट जाओ, सब कल्याण होगा। ऋषि के मुख से निकली हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती। मैं जाती हूँ ऋषि, इस विश्वास को प्रसाद स्वरूप में ले जाती हूँ। कल्याण हो। दारुण वन में तो पुरुष का प्रवेश वर्जित है, तो ये पुरुष रूप में ऋषि कहाँ से आए, कैसे आए? नागेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही तुम्हारी समस्या का अंत हो चुका है। मेरे इस कथन पर विश्वास करो तथा अपने गृह लौट जाओ। हाँ, इसका अर्थ कि वो ऋषि कोई और नहीं अपितु साक्षात महादेव थे। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ दुखियारी पर अपनी कृपा वृष्टि की।
देवो, विप्रचित के स्वर्ग से निष्कासन के साथ ही आप सबकी शक्तियाँ वापस लौट आई हैं। ऋषिवर, अब आप अग्निदेव का आह्वान कीजिए ताकि स्वास्थ्य निधि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सके। अग्निनदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। प्रभु, अब आप मंत्रोच्चारण के साथ इस हवन कुंड में रुद्राक्षों की आहुति दीजिए। नमः विश्वदेव स्वरूपाय नमः। तेरहमुखी रुद्राक्ष में सकल देवता वास करे, भक्त को इच्छित फल दे दे, सुख समृद्धि भंडार भरे, सुख समृद्धि भंडार भरे। बारह मुखी रुद्राक्ष ओम कौं क्षौं रौं नमः। आदित्य स्वरूपाय नमः। बारह मुखी रुद्राक्ष में सूर्य स्वयं विद्यमान, तेजस्वी संतान का सुख दे, भक्त बने धनवान, भक्त बने धनवान। दस मुखी रुद्राक्ष। तुमने मेरी वर्षों की प्रसन्नता और प्रतीक्षा पर पानी फेर दिया है। केसरी की पत्नी बनने के सुखद संयोग की चिता जला दी। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? सुकन्या, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी ओर से इस अनुष्ठान के विधान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तब फिर नाग यंत्र में अग्नि कैसे लग गई? कारण मुझे भी ज्ञात नहीं है। हत प्रभु मैं भी हूँ, समझ में नहीं आता कि आग लगी तो लगी कैसे, और वो नाग यंत्र कैसे नष्ट हो गया। इसका अर्थ ये है कि अंजना दारुण वन पहुंच गई है। यदि नहीं पहुंची होती तो ना ही नाग यंत्र में अग्नि लगती और ना ही मेरा रूप परिवर्तित होना प्रारंभ होता। तो फिर तुम भी एक बात भली भांति समझ लो सुकन्या, यदि अंजना वहां दारुण वन पहुंच चुकी है तो तुम उसका ये रूप और अधिक समय तक नहीं धारण कर सकती, क्योंकि तुमने जिस स्त्री का रूप धारण करके रखा है वो एक पतिव्रता स्त्री है। मैं परिणाम जानती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के स्त्री को अपने पति के रूप में धारण करना ही होगा। तांत्रिक, तुम शीघ्र ही अनुष्ठान पूर्ण करो तथा मेरे हाथों से धनराशि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करो।
किंतु मैं अब इस महल में कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकता। क्यों? क्या हानि है यहाँ करने में? हानि ये है कि एक बार अनुष्ठान का खंडित होना ही अपने आप में सबसे बड़ी हानि है, और यहाँ इस महल में एक अनुष्ठान खंडित हो चुका है। यदि ऐसी बात है तो कहाँ करेंगे अनुष्ठान? नदी तट पर स्थित नाग मंदिर में। ठीक, तुम जाकर अनुष्ठान की तैयारी करो, मैं केसरी को चलने के लिए तैयार करती हूँ। पर जामवंत जी, हमारी समझ में यह नहीं आया कि पुत्री अंजना यज्ञ छोड़कर भाग क्यों आई। हाँ, हाँ, हाँ। जामवंत जी, पुत्री अंजना के कक्ष में चलकर उससे बातचीत करना आवश्यक हो गया है। हाँ। कुंजर जी, इस पूजा में कुछ तो भेद अवश्य है। क्या भेद हो सकता है जामवंत जी? इस भेद को तो वो तांत्रिक ही खोल सकता है कुंजर जी। बस एक बार किसी प्रकार सुकन्या का कार्य पूरा हो जाए, फिर मेरी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना धन लूंगा उससे, इतना धन लूंगा कि फिर मुझे पूरा जीवन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी। कौन कौन है आप लोग? इस प्रकार मुझे क्यों घूर रहे हैं? बता, कौन है तू और सत्य क्या है? सुकन्या को कैसे जानता है तू? विष्णु रूपाय नमः। दस मुख के रुद्राक्ष में स्वयं विष्णु की कृपा रहे, पद प्रतिष्ठा ज्ञान मिले, भक्ति से विष्णु धाम मिले, भक्ति से विष्णु धाम मिले। पांच मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। प्रभु, अब आप एक मुखी रुद्राक्ष से उन आहुति कीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष ॐ ह्रीं नमः। शिवस्वरूपाय नमः। एकमुखी शिव का स्वरूप है जीवन पीड़ा हारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सुख संपत्ति सारी,
हो दे सुख संपत्ति सारे। सुकन्या? कौन सुकन्या? मैं किसी सुकन्या को नहीं जानता। रुको, प्रकट हो, प्रकट हो, स्वास्थ्य निधि प्रकट हो, स्वास्थ्य निधि प्रकट हो, प्रकट हो स्वास्थ्य की निधि प्रकट हो, पावन दर्श स्वयं दर्शाओ, प्रकट हो स्वास्थ्य की निधि प्रकट हो, पावन दर्श स्वयं दर्शाओ, जन जीवन कल्याण हितार्थ प्रकट हो, रोग शमन कर जाओ, सकल दोष बीमारी मिटाओ, सकल दुख जन जन के मिटाओ, स्वास्थ्य की निधि प्रकट हो, 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 स्वास्थ्य की निधि प्रकट हो। किससे धन लेने की बात कर रहा था तू? किससे धन लेने की बात? मुझे मुझे कौन धन देगा? हाँ हाँ, धन 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 देंगे मुझे, मुझे मेरे यजमान, मुझे मेरे यजमान ही मुझे मेरा धन देंगे। पुरोहित, मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, सच सच बता दे, कौन है तेरा यजमान यहाँ, शीघ्र बता। मेरी यजमान? मेरे यजमान तो संपूर्ण संसार है, सारा संसार ही तो मेरा यजमान है। कुंजर जी, ये सत्य ऐसे नहीं बताएगा, ये धन का लोभी है, इसे धन चाहिए। नहीं, नहीं, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ आप लोगों को, मुझे मत मारिए। मैं नागों का तांत्रिक हूँ। सुकन्या को मैंने ही श्राप से मुक्ति दिलाई थी। उसी समय उसने मुझे वचन दिया था कि यदि मैंने उसको केसरी की पत्नी बनने में सहयोग दिया तो वो मुझे अंजन प्रदेश का संपूर्ण कोष दान में दे देगी। स्वास्थ्य निधि, विधि के विधान के अनुसार देवता ही संसार के समस्त क्रियाकलापों को संचालित करते हैं, सबको लाभ अथवा कल्याण इन्हीं के द्वारा होता है। तथा समस्त देवताओं पर आप अपनी कृपा करें तथा इन्हें रोग शोक से मुक्त रखें। हे रुद्र अवतार, आपने मेरा निर्माण किया है, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ।
मैं आपको वचन देती हूँ कि अब देवताओं को कोई रोग कोई व्याधि नहीं होगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो उसका निदान मेरे द्वारा होगा। कहाँ है वो बता, और धन चाहिए? नहीं नहीं, सुकन्या इस समय महल में है। क्या बक रहा है पुरोहित? सुकन्या महल में कैसे हो सकती है? वहां तो आपके अनुसार अंजना है ना? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? नहीं, जिसे आप लोग अंजना समझ रहे हैं वो अंजना नहीं है, वो तो सुकन्या है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुकन्या ही अंजना है। इतना बड़ा षड्यंत्र! पता और क्या क्या मंशा उस घातनी की? केवल एक कि किसी भी प्रकार वो केसरी की शास्त्र सम्मत रूप से पत्नी हो जाए, ताकि केसरी के जीवन में सर्पों का प्रवेश हो जाए तथा अंजना उनके जीवन से सदैव के लिए निष्कासित हो जाए, उनसे दूर चली जाए, बस। और अपनी इसी मंशा को पूरा करने के लिए नाग शक्ति यज्ञ करवाने के लिए आतुर है। यदि यह यज्ञ संपूर्ण हो गया तो ऐसा ही होगा, फिर कोई रोक नहीं सकेगा उसे, कोई रोक नहीं सकेगा उसे। हे स्वास्थ्य निधि, इस मृत्यु लोक में अनेकों प्रकार के अवगुण हैं तथा उन अवगुणों के कारण बहुतायत रोग हैं। कृपा कर सभी मनुष्य पर भी अपनी कृपा बनाए। हे केसरी नंदन, मैं इसी संसार में वास करूंगी तथा सभी मनुष्य को रोगों से मुक्त करूंगी तथा इसके अतिरिक्त आपने मेरा निर्माण किया है, इसीलिए मैं आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतएव जो भी मनुष्य आपकी पूजा आराधना करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसके निकट रोग शोक की छाया तक नहीं पड़ेगी। जी, हमें इस अनर्थ की सूचना शीघ्र केसरी को देनी होगी कि उसके साथ अंजना नहीं अपितु अंजना के रूप में सुकन्या है। हाँ जामवंत जी, चलिए 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 आइए। मेरी समझ में ये नहीं आया कि पूजा बीच में खंडित क्यों हो गई। आप उसकी चिंता मत कीजिए स्वामी, जो पूजा खंडित हुई है मैंने उसे पुनः करने की व्यवस्था कर ली। पुनः? हाँ पुनः। मैं उस सुकन्या के भय से शांत बैठने वाली नहीं हूं, इसीलिए इस बार जिस स्थान का मैंने चयन किया है वो नदी के तट पर स्थित नाग मंदिर को चयन किया है। पूजा वही होगी, शीघ्र चले अन्यथा वो सुकन्या
पुनः कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। देवी चलते हैं, किंतु पिताश्री को तो साथ ले लो। वो आ जाएंगे, आप बस चलिए। देवी, किसी भी कार्य में इतनी शीघ्रता ठीक नहीं है, तनिक रुकिए, पिताश्री को आने दीजिए। जो कार्य हम करने जा रहे हैं उस विषय में पिताश्री का परामर्श ले लेना चाहिए हमें। मूर्ख केसरी, तेरे परामर्श के चक्कर में मैं अपना पराभव स्वीकार नहीं कर सकती। कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें? महाराज केसरी, पुत्र केसरी, महाराज केसरी, केसरी, महाराज केसरी, पुत्र केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, केसरी, महाराज केसरी, कहाँ हैं आप? महाराज और महारानी जी अभी अभी राजमहल के बाहर नाग शक्ति यज्ञ की पूजा के लिए गए हैं। कुछ बता के गए हैं कि वो कहाँ गए हैं? हाँ, महारानी जी ने तो नहीं बताया, किंतु जाते जाते महाराज ये बता कर गए हैं कि वो लोग नदी तट पर स्थित नाग मंदिर गए हैं। हे प्रभु, आज आपके ही कारण संसार के कल्याण हेतु स्वास्थ्य निधि का निर्माण संभव हो सका है, अतः हम समस्त देवतागण सदैव आपके आभारी रहेंगे। प्रभु, अब हमें आज्ञा दी। न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है, बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। अपने मुख से पिताश्री जैसे पवित्र शब्द का उच्चारण न करना गिन। अब तुम हमें और अधिक नहीं छल सकती, क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। क्या बताया तुमने उन्हें? यही कि अंजना ही सुकन्या है।